हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम फिर आपके लिए एक अच्छी खबर लेके हाजिर हुए हैं। लखनऊ मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट 2018 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन हैं वो हैं। जैसे आप डेट्स का देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी 2018 से स्टार्ट है और 27 मार्च 2018 तक खुला रहेगा। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 मार्च 2018 ही है। एडमिट कार्ड मिल जाएंगे आपको एससी ओब्लिक टीओ के लिए 9 अप्रैल 2018 तक और दूसरी पोस्टों के लिए 23 अप्रैल 18 तक। एग्जाम डेट एससी ओब्लिक टीओ का 16 अप्रैल 2018, अदर पोस्ट का 6 से 13 मई 2018। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये है, एससी एसटी के लिए 200 रुपये है और ये फीस से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई के चालान के द्वारा जमा हो पाएगी। एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल है, 18 मिनिमम है, 28 मैक्सिमम है। एससी एसटी ओबीसी परमानेंट डिसेबल के लिए जो रिलैक्सेशन एज में होते हैं वो इसमें भी है। और इसमें जो बेस डेट ली गई है वो 1 फरवरी 2018 काउंटिंग के लिए ली गई है। पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, 358 पोस्ट हैं। इसमें फर्दर जो बाइफर्केशन है वो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट 49 पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट एचआर की 2 पोस्ट हैं, स्टेशन कंट्रोलर पब्लिक ट्रेन ऑपरेटर ये 101 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल 31 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 35 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर एसएनटी की 27 पोस्ट हैं, अकाउंट असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, मेंटेनर सिविल 17 पोस्ट हैं, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 65 पोस्ट हैं और मेंटेनर एसएनटी की 28 पोस्ट हैं। तो ये थी नॉन एग्जीक्यूटिव जो 358 जो पोस्ट हैं उनका बाइफर्केशन। एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं वो 28 पोस्ट हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर सिविल 7, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल 6 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी 3 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट 3 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन 2 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर आईटी 1 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस 1 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर एचआर 2 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर सेक्रेटरी 1 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन 2 पोस्ट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनका बाइफर्केशन था। पे स्केल 20,000 से 80,000 तक पोस्ट वाइज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन है विद 60% मार्क्स। ये जितनी भी वैकेंसीज हैं इनमें सभी में ग्रेजुएशन है, चाहे ब्ले वो डिप्लोमा है, चाहे बी बीटेक है, सभी में 60% मार्क्स का राइडर जरूर है। एससी एसटी के लिए वो 50% है। तो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन विद 60 मार्क्स एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स, बाकी 60% मार्क्स। ऑफिस असिस्टेंट एचआर ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, एससी एसटी के लिए 50%, अकाउंट असिस्टेंट में बीकॉम ग्रेजुएशन विद 60% मार्क, स्टेशन कंट्रोलर ऑब्लिक ट्रेन ऑपरेटर ये 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, इसमें भी वही 60% का राइडर है। एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स, जूनियर इंजीनियर 3 ईयर डिप्लोमा इन रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, 50% फॉर एससी एसटी। जो जूनियर इंजीनियर जो सिविल के हैं इलेक्ट्रिकल के हैं तो उनमें 3 ईयर डिप्लोमा उसी ब्रांच में होना चाहिए विद 60% मार्क्स। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट ये बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, मेंटेनर आईटीआई हैं ये इन रिलेवेंट ट्रेड विद 60% आईटीआई है बट इनमें भी वही 60% मार्क्स का राइडर है। एससी एसटी के लिए ये 50% है। असिस्टेंट मैनेजर बी बीटेक इन रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, जो असिस्टेंट मैनेजर की जो भी पोस्ट है उसमें भी बी बीटेक होना चाहिए और विद 60% मार्क्स उस रिलेवेंट ब्रांच में, और एससी एसटी के लिए इसमें भी 50% मार्क्स है। तो ये आई थिंक सभी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी, फिर भी अगर कोई डिटेल ना मिली हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसपे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी खुल जाएगा। तो ये था
आज का वीडियो जिसमें हमने बताया आपको लखनऊ मेट्रो का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।